हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका मेरे शार्क उल्टे एवरीथिंग में। तो यार आफ्टर अ 3 वीक ब्रेक हमें फ्लैश वापस मिल चुका है, ठीक है। फ्लैश का एपिसोड 8 एयर पे है, और जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है जाके पहले एपिसोड देख लो, और जिन लोगों को नहीं पता कि एपिसोड कहाँ से देखना है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा अपना कमेंट, और वहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यार ये एपिसोड मेरे हिसाब से काफ़ी इमोशनल है और एपिसोड से, क्योंकि ये एपिसोड पिछले एपिसोड की स्टोरी लाइन को, जो फ्रॉस्ट की स्टोरी लाइन थी कि फ्रॉस्ट के साथ क्या होगा, मतलब इस एपिसोड का नाम ही है द पीपल वर्सेस किलर फ्रॉस्ट, तो वही स्टोरी लाइन पूरी होती है इस एपिसोड के अंदर। और इस हिसाब से ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि इसके अंदर केटलिन और फ्रॉस्ट दोनों का लिंक दिखाया गया, दोनों का बॉन्ड दिखाया गया, क्योंकि हमें आज तक सीरियसली ये पता ही नहीं था कि केटलिन और फ्रॉस्ट के अंदर कोई बॉन्ड है भी, तो इसी बॉन्ड को दिखाया गया इस एपिसोड में। तो टू बी ऑनेस्ट मैं इस एपिसोड के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन हाँ हमें आगे के एपिसोड्स के लिए क्लिफ हैंगर मिले थे तो मैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए एक्साइटेड था। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार फ्लैश स्टार्ट होता है क्रिश्चियन क्रेमर से, और क्रिश्चियन क्रेमर एडवांस रिसर्च ग्रुप यूनाइटेड सपोर्ट के अंदर है, ठीक है। और वहाँ पे वो कुछ ब्रीफकेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाई है, और वो अपने कलीग एजेंट कूपर को बोलती है कि सिक्योरिटीज़ को बढ़ा दो, ठीक है, फोर्स फील्ड्स वगैरह सब चीज़ें बढ़ा दो, ताकि कोई भी इस ब्रीफकेस को हाथ तक ना लगा पाए, क्योंकि इस ब्रीफकेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये चीज़ हमें बाद में पता भी लगती है कि ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एपिसोड के पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद दिखती है हमें टीम फ्लैश, और टीम फ्लैश सिसील के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितनी बुरी पोजीशन में है फ्रॉस्ट इस टाइम, और सिसील कहती है कि कम से कम तो फ्रॉस्ट को 10 से 20 इयर्स का सेंटेंसिंग को फेस करना ही पड़ेगा चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन जब तुम एपिसोड के अंदर जाओगे तब तुम्हें और भी बुरी बुरी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखता है कि स्टार लैब्स की सैटेलाइट ने आइसोटॉपिक रेडिएशंस को डिटेक्ट किया है, ठीक है, और केटलिन कहती है कि बेरी यू हैव टू गो, और फ्रॉस्ट भी कहती है उसी पे कि तुम दोनों जाओ और उनको हैंडल करो और मैं ये सिचुएशन हैंडल करती हूँ, ठीक है। तो आयरिस कॉम्स के ऊपर होती है और आयरिस उन लोगों को लोकेशन बताती है, लेकिन जब वो उस लोकेशन के ऊपर पहुँचते हैं उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और बेरी कहता है कि आयरिस आई थिंक यू नीड टू चेक दैट अगेन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फुएजा का कोई भी सिग्नेचर या फिर कोई भी साइन नहीं होता है कि फुएजा की बॉडी इतनी बड़ी है, तो यार दूर से चलते हुए इंसान को भी दिख जाएगी, और वो तो उस लोकेशन पे खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है कि फ्रॉस्ट कोर्ट रूम के अंदर है, और वहाँ पे केटलिन सिस्को और एलेग्रा तीनों हैं, ठीक है, फ्रॉस्ट को सपोर्ट करने के लिए। और सिसील जज को प्रपोज करती है कि अगर हम उन कामों को छोड़ दें जो फ्रॉस्ट ने पहले करे थे, तो उसके बाद फ्रॉस्ट ने 4 साल से सिटी को सर्व किया है, ठीक है, और काफ़ी काउंटलेस लाइव्स बचाई। तो इसी पे क्रिश्चियन क्रेमर की काउंसलर कहती है कि ठीक है हम मानते हैं कि उसने काउंटलेस लाइफ बचाई है, लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो पहले एक क्रिमिनल थी, और जितने भी उसने लॉस तोड़े हैं और जितने भी लोगों की उसने जान ली है वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रपोज करते हैं कि उसकी पावर्स टेक अवे कर ली जाए, ताकि वो आगे किसी भी अच्छे सिटीजन को हार्म ना कर सके। और लिटरली ये था मेरे लिए शॉकिंग मोमेंट पूरे एपिसोड के अंदर। तो इसके बाद देखते हैं हमें टीम फ्लैश, ठीक है, बेरी आयरिस और स्पीड फोर्स को छोड़ के बाकी सारे लोग देखते हैं हमें, और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ कैसे रोक सकते हैं, और जिस पे सिसील कहती है कि हम देख रहे हैं लेटर सेंटेंसिंग पे, लेकिन वो लोग तुम्हें फोर्स ही करेंगे मेटा ह्यूमन क्योर लेने पे, ठीक है। तो यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी दिख रही है, मतलब इस टाइम पे, लेकिन बाद में जाके ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह सॉल्व हो जाती है। और केटलिन कहती है कि हमें क्रिश्चियन क्रेमर के डर्टी वर्क्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ताकि हम उसको कन्फ्रंट कर सकें, क्योंकि कुछ तो है जो यहाँ पे क्रिश्चियन क्रेमर के बारे में मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। और पूरे एपिसोड में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि क्रिश्चियन क्रेमर शायद किसी तरह की हेटर या कुछ है, लेकिन बाद में जाके उसने क्लियर भी कर दिया था कि वो केटलिन को इतना हेट क्यों करती है, ठीक है, तो वो चीज़ बाद में बताएंगे। लेकिन उसके बाद सिस्को एलेग्रा और केटलिन डिसाइड करते हैं कि वो मेटा ह्यूमन क्योर को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से वो फ्रॉस्ट के ऊपर ये नहीं यूज़ कर पाएंगे, और उन्हें फ्रॉस्ट को सेंटेंसिंग ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद हमें दिखता है कि कैसे सिस्को एक ऑक्सीमीटर बनाता है, ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन हाँ सिस्को के पास ऑक्सीमीटर रेडी होता है, ताकि वो मेटा ह्यूमन क्योर को न्यूट्रलाइज कर सके। और वहाँ पे सीसीपीडी में एलेग्रा और केटलिन जाते हैं आर्मरी के अंदर और सारे क्योर्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखते हैं बेरी और नोरा, ठीक है, और वो लोग वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं, मतलब बेरी अपने फ्लैश सूट के अंदर जाता है, लेकिन वो अपनी CSI वाली यूनिफॉर्म पहन लेता है वापस से, और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि फुएजा कहाँ हो सकती है, क्या वो अंडरग्राउंड छुप सकती है,
लेकिन नौरा कहती है मेरे को उसकी ऐसी कोई एबिलिटी का नहीं पता। जिस पे बेरी आरिस को कहता है कि हमें ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो इन फोर्सेस के बारे में अभी जाननी है, ठीक है, और जिस पे नौरा रिप्लाई करती है कि हमें हर चीज़ पता है जो हमें पता होनी चाहिए कि ये फोर्सेस प्योर ईविल हैं और ये लोगों को हर्ट कर सकती हैं, जो अच्छे अच्छे सिटीजन हैं उन्हें हर्ट कर सकती हैं, और मोर ओवर ये मेनली मेरे लिए आई हैं यहाँ पे ताकि वो मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकें। और इसी पे आयरिस कमेंट करती है कि आई नो फुएजा और सेज फोर्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं लड़ने के लिए और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, लेकिन तुम जानते हो कि चेस्टर और सिस्को ने क्या बताया था कि डियोन को कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पीड फोर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, और मोर ओवर उसे तो पता भी नहीं था कि स्पीड फोर्स नाम की कोई एनर्जी एग्जिस्ट भी करती है जब सिस्को ने उससे पूछा था कि आर यू हेयर फॉर स्पीड फोर्स। तो यार अगर तुम्हें नहीं पता स्पीड फोर्स या फिर डिफरेंट फोर्सेस के बारे में तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है और आई बटन पर भी मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, तो जाके देख लेना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो आयरिस बताती है कि बेरी तुम्हारे नेक्स्ट स्ट्रेंथ से एक बहुत ही ज़्यादा आइसोटॉपिक रेडिएशन डिटेक्ट हो रही है फुएजा से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रेंथ फोर्स से रिलेटेड मोर ओवर। तो बेरी और नौरा वहाँ पे सस्पेक्ट करने जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बींग दिखता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग दिखती है क्योंकि वो एक लड़की है जिसका नाम है एलेक्सा रिवेरा, और ऑफकोर्स यही फुएजा है लेकिन इसको पता नहीं है कि ये फुएजा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम केस है एल्कमी वाला, अगर तुमने सीजन 3 देखा हो तो एल्कमी के साथ भी सेम होता है, जूलियन अल्बर्ट को पता ही नहीं होता कि वो एल्कमी है, और सेम केस एलेक्सा रिवेरा के साथ भी है कि उसको पता नहीं है ये फुएजा है, ठीक है। और बेरी जिस पे बहुत ही पोलाइटली बोलता है कि मेरे को लगता है कि शायद तुम एक मेटा ह्यूमन हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से मेटा ह्यूमन रेडिएशन डिटेक्ट हो रही है, और नौरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है तो हमारे साथ या तो सीधा सीधा चलो या फिर सीधा सीधा अपना फेस दिखाओ, और वो काफ़ी ज़्यादा रूड वे होता है, ठीक है। और बेरी जिस पे नौरा को देख के एक अजीब सा लुक देता है क्योंकि उसको भी ये ठीक नहीं लगता है, और एलेक्सा रिवेरा कहती है कि मैं कोई मेटा ह्यूमन नहीं हूँ और तुम लोग यहाँ से जाओ अगर तुम लोग यहाँ पे वॉलंटियर करने नहीं आए हो, और मैं जानती हूँ स्टार लैब्स क्या है और उन्होंने ही फर्स्ट प्लेस के अंदर ये मेटा ह्यूमन वाली चीज़ें स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो ये बोल के उन लोगों को डिच कर देती है। इसके बाद हमें दिखती है स्टार लैब, ठीक है, और नौरा और बेरी डिस्कस कर रहे हैं कि वो फुएजा को कैसे कन्विंस कर सकते हैं टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, जिस पे नौरा प्रपोज करती है कि हम लोग उसको उठा के, मतलब वी कैन जस्ट ग्रैब हर एंड वी कैन मेक अ टेस्ट ऑन हर, और उसको पता भी नहीं लगेगा, इससे पहले वो ब्रीथ करें हम उसको वापस वहीं पे रख देंगे या फिर वापस वहीं पहुंचा देंगे जहां पर वो थी, और उसको बिल्कुल भी भनक भी नहीं लगेगी कि हमने उसका टेस्ट किया और हमें ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि वो एक मेटा ह्यूमन है या नहीं, ठीक है। जिस पे बेरी कहता है कि नो दिस इज़ नॉट हाउ वी वर्क, तो आयरिस कहती है कि यू आर आस्किंग हिम टू गिव अप व्हाट मेक्स हिम अ हीरो। तो मतलब ये बेरी की मोरालिटी पे बात आ जाती है यहाँ पे मेनली, कि बेरी को मोरालिटी गिव अप करने के लिए कह रही है कि हम उसको एक तरह से किडनैपिंग होती है ये, चाहे इंसान को पता लगे या ना लगे लेकिन उसके फोर्स के खिलाफ उसको किडनैप करके उसके ऊपर एक टेस्ट परफॉर्म करना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, और यही चीज़ नौरा को ईविल बनाती है यहाँ पे। लेकिन अभी भी बेरी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पूरे एपिसोड तक बंधी रहेगी जब तक वो उस पर अटैक नहीं कर देती या फिर जब तक वो खुद नहीं अपने ईविल प्लान्स डिस्क्लोज कर देती। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग डेली बेसिस पे टीम फ्लैश हर किसी को बचाते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे ये लोग हीरो बनते हैं, लेकिन ये एक इंसान के पीछे का ट्रूथ नहीं पता लगा पाते कि ये इंसान ईविल है या फिर अच्छा है। खैर मूविंग ऑन, उसके बाद हमें दिखता है वापस कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम के अंदर हमें दिखता है कि किलर फ्रॉस्ट के ऊपर एक एक्यूजेशन है कि उसने सीसीपीडी के अंदर जाकर मेटा ह्यूमन क्योर को पूरी तरह अनयूजेबल कर दिया है, मतलब उसने न्यूट्रलाइज कर दिया है मेटा ह्यूमन क्योर को, और हम सब जानते हैं ये चीज़ किसने करी है, ये चीज़ केटलिन सिस्को और एलेग्रा ने करी होती है, लेकिन वापस सारे एक्यूजेशन लग जाते हैं किलर फ्रॉस्ट के ऊपर, ठीक है। और ये हम सब जानते हैं कि किलर फ्रॉस्ट को हैकिंग नहीं आती है, लेकिन ये चीज़ जज और कोर्ट रूम में जितने भी लोग बैठे थे उनको नहीं पता था, ठीक है। उस बाद हमें पता लगता है कि उस ब्रीफकेस के अंदर क्या है, ठीक है, और उस ब्रीफकेस के अंदर एक क्योर का सैंपल होता है जो कि क्रिश्चियन क्रेमर ने आर्गस वालों से निकलवाया होता है, ठीक है, और तभी उसे टॉप सिक्योरिटी के अंदर रखा होता है ताकि कोई भी उस पर हाथ ना डाल सके। और जो उसकी काउंसलर होती है वो कहती है कि हम नाइटफॉल तक ऐसे 100 और सैंपल बना लेंगे, हमारे पास वापस क्योर आ जाएगा। और उसके बाद जो वेस्ट को बुलाया जाता है कि वो अपनी रिपोर्ट किलर फ्रॉस्ट के ऊपर प्रेजेंट करे, ठीक है, और वो बताता है कि किलर फ्रॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा ईविल थी लेकिन
चार साल से वो सिटी को सर्व करती आ रही है और उसने हर एक पर्सन की जान बचाई है, चाहे वो कोई भी हो। और ज़्यादातर तो इस कोर्ट रूम के अंदर प्रेजेंट भी हो सकते हैं जिन लोगों की एक से ज़्यादा बार उसने जान बचाई है, किलर फ्रॉस्ट ने जान बचाई है, ठीक है। और ये सीधा सीधा डायरेक्ट इंडिकेशन था क्रिस्टियन क्रेमर के लिए जब वो उसको बचाती है चिल ब्लेन से, ठीक है, मतलब नॉट बेसिकली बचाती है, लेकिन हाँ वो पूरी सिटी को तो बचाती है चिल ब्लेन से। उसके बाद सिसिल बताती है कि हमने केस लूज कर दिया है, ठीक है, ना ही हम किसी पोजिशन में है कि हम अपील कर सकें, ना ही हम किसी पोजिशन में है कि हम कोई रिक्वेस्ट पास कर सकें। और जिस पे केटलिन कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करके तो फ्रॉस्ट को इससे बाहर निकालना ही होगा। और फ्रॉस्ट केटलिन के साथ अकेले में बात करती है कि ये तुम किसके लिए कर रही हो, ये तुम अपने लिए कर रही हो केटलिन, अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो प्लीज़ मत करो। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है केटलिन की, कि वो अपनी वजह से किलर फ्रॉस्ट को फोर्स करती है कि वो क्योर ले ले, जो कि काफ़ी गलत है इन अ वे, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है कि किलर फ्रॉस्ट एक मीटिंग करती है क्रिस्टियन क्रेमर के साथ अकेले, ताकि वो पता लगा सके कि वो मेटा ह्यूमंस को इतना हेट क्यों करती है। और क्रिस्टियन क्रेमर ये चीज़ एक्सप्लेन भी करती है किलर फ्रॉस्ट को कि उसने ऐसा क्यों किया है किलर फ्रॉस्ट के साथ, क्योंकि एक मेटा ह्यूमन था जिसने उसकी टीम को बिट्रे किया, जिसकी वजह से 20 सोल्जर ने अपनी लाइव्स गंवा दी, और उन सोल्जर्स की लाइव्स की जो प्रोटेक्शन की ड्यूटी थी वो क्रिस्टियन क्रेमर के ऊपर थी, इसलिए वो गिल्टीनेस में ये सब कर रही है। और जितने भी क्रिमिनल मेटा ह्यूमंस है वो उनके पीछे जाएगी और सबको मेटा ह्यूमन क्योर के लिए फोर्स करेगी, जैसे वो किलर फ्रॉस्ट को कर रही है। और किलर फ्रॉस्ट सबके लिए एग्जाम्पल बनेगी कि जिन पे भी एक दो केस हैं या फिर जिन पे भी एक से ज़्यादा केस हैं उन सभी के साथ ये सेम चीज़ होगी जो अभी फ्रॉस्ट के साथ हो रही है। उसके बाद हमें दिखता है कि केटलिन एक सल्यूशन निकालती है और फ्रॉस्ट सबके सामने बोल देती है कि मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए तैयार हूँ विदाउट अ चांस ऑफ पैरोल, ठीक है, जिस पे जज ऑर्डर कर देती है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो, और केटलिन कहती है आई एम श्योर, और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाती है। हमें यहाँ पे यहीं पे ये चीज़ एंड होती हुई दिखती है। उसके बाद हमें दिखता है कि फ्लैश एलेक्सा के पास जाता है और वो उसको कन्विंस करता है कि वो स्टार लैब्स में अपना टेस्ट परफॉर्म करवाए, ठीक है। और एलेक्सा बताती भी है कि उसको ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि ये सेम केस है एल्कमी वाला, ठीक है। ये चीज़ एपिसोड में पहले होती है, मतलब बीच में होती है, लेकिन मेरे को लगा शायद पहले मैं केटलिन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूँ एक साथ, उसके बाद एलेक्सा और बेरी का मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने बता भी दिया यहाँ पे। तो उसके बाद बेरी और एलेक्सा बात करते हैं कि कैसे एलेक्सा को ब्लैकआउट्स हो रहे हैं जब फुएजा आती है, और बेरी पूछता है कि ये कब कब हुआ है, ठीक है। और जिस पे एलेक्सा कहती है ये सिर्फ एक बार हुआ है जब मैं बहुत ज़्यादा एंग्री थी कि आबरा ने हमारे जितने भी वर्क साइट्स थे वो सारे तबाह कर दिए थे, क्योंकि वो उन लोगों के लिए थे जिनके पास घर नहीं है और मैं उन लोगों के लिए कुछ प्लान कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसी टाइम मुझे ब्लैकआउट हुआ था और मैं अलग ही जगह पे उठी थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे यहीं पे पता लग जाती है कि यही है फुएजा या फिर स्ट्रेंथ फोर्स की वील्डर। लेकिन आगे बेरी आता है एलेक्सा के पास और वो उसको लेके जाता है स्टार लैब्स के अंदर, ठीक है, और नोरा उससे अपोलोजाइज भी करती है अपने बैड बिहेवियर के लिए। उसके बाद हमें दिखती है एलेक्सा और बेरी, और बेरी कहता है कि हम तुम्हारे अंदर एक बहुत ही छोटा अमाउंट आइसोटोपिक रेडिएशन का डालेंगे, और अगर तुम्हारा कोई भी स्प्लिट पर्सनालिटी या फिर फुएजा को निकलना होगा या फिर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ फोर्स होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और वही सेम होता है, एक्टिवेट हो जाती है फुएजा और फुएजा निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बेरी मशीन को डीएक्टिवेट कर देता है। और यहीं पर हमें दिखता है कि नोरा एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करती है एलेक्सा पे, और वो कहती है कि बेरी मे बी आयरिस इज योर लाइटनिंग रॉड बट आई एम योर लाइटनिंग एज आई ऑलवेज से। और ये बोलते ही वो आयरिस के ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट फेंकती है, ठीक है, एक लाइटनिंग बोल्ट नहीं होती, वो काफ़ी सारी लाइटनिंग्स का मिक्सचर होती है, तो मैं जस्ट बता नहीं सकता कितनी लाइटनिंग्स थी, लेकिन वो काफ़ी बड़ा लाइटनिंग ब्लास्ट होता है, ठीक है। और बेरी भी अपनी लाइटनिंग थ्रो जो उसकी यूनिक मूव है वो फेंकता है, तो उसकी एक लाइटनिंग बॉल बन जाती है और स्पीड फोर्स टाइम को स्टॉप कर देती है, और बेरी भी स्टॉप हो जाता है। बेरी के पास जितनी भी स्पीड हो लेकिन वो स्पीड फोर्स से मुकाबला नहीं कर सकता, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते थे कि अगर इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई हुई तो बेरी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स बेरी को स्पीड फोर्स से ही एनर्जी मिलती है और स्पीड फोर्स तो एनर्जी का खुद ही सोर्स है, तो यार उसके पास तो बेरी से ऑफकोर्स ज़्यादा पावर्स ही होंगी। तो उसी के बाद हमें दिखता है कि वो
उस लाइटनिंग को मैनिपुलेट करती है और एक बहुत ही बड़े लाइटनिंग बॉल में कन्वर्ट करके एलेक्सा के ऊपर फेंक देती है और एलेक्सा आई डोंट नो मरती है या नहीं, लेकिन हमें यहीं पे एपिसोड खत्म होता हुआ दिख जाता है जहाँ आई थिंक एलेक्सा मर चुकी है या फिर इंजर्ड है, ठीक है। और बेरी उसके पास खड़ा होता है और नोरा कहती है कि इट्स टाइम फॉर यू टू चूज अ साइड, इट्स आइदर मी और हर। तो यार यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है, ठीक है, सस्पेंस के अंदर। तो यार या तो अगले एपिसोड के अंदर ये स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी या फिर अगले 3 एपिसोड तक अगर ये स्टोरी लाइन चलेगी, क्योंकि अगर 22 एपिसोड्स हैं एज रेगुलर तो अगले 3 एपिसोड तक ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी फोर्थ क्वेस्ट वाली, उसके बाद गॉड स्पीड या फिर जो भी इन्हें दिखाना है वो स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी। लेकिन अगर 18 एपिसोड्स हैं सीजन 6 की तरह तो मे बी शायद अगले एपिसोड में ये स्टोरी लाइन हमें एंड होती हुई दिख जाएगी फोर्थ क्वेस्ट की। तो मेरे हिसाब से ये एपिसोड ओवरऑल काफ़ी इमोशनल था और पिछले एपिसोड की स्टोरी लाइन कंटिन्यू कर रहा था ये एपिसोड। और देखते हैं आगे किलर फ्रॉस्ट का क्या होता है और अगले एपिसोड का वेट करते हैं अगले हफ्ते। अब तो खैर ब्रेक्स नहीं है फ्लैश के अंदर, अगर होते तो मतलब मैं सही में CW वाले को खुद जाके मारता कि क्या चाहते हो ज़िंदगी से, ठीक हो, 3 हफ्ते का ब्रेक कम नहीं था क्या तुम्हारे लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मस्त मस्त कंटेंट के लिए, और अगर चाहो तो शेयर भी कर सकते हो जिसको ना समझ में आया हो ये एपिसोड, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।